का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, चाचा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। फिर से एक बार आ गया है एक नया सीक्वल। ये सीक्वल ना तो नेहा कक्कड़ के गानों का है और ना ही राजकुंद्रा की मूवीज का। तो वेलकम हाउसफुल, गोलमाल धमाल जैसी लेजेंडरी फनी मूवीज के घटिया सीक्वल के बाद एक और मूवी आ चुकी है अपना कटवाने के लिए। अब हर किसी का सीक्वल फिर हेरा फेरी की तरह धमाकेदार थोड़ी होता है और उसका भी अब थर्ड पार्ट बना के कचरा ही कर रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अबे इस पे तो डोरेमोन और शिनचैन आता था ना। अरे ये वो हंगामा नहीं है रे, ये है वीनस की बनाई हुई एक पुरानी फिल्म। अबे मगर वीनस तो चाचा ये सबेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? फ्रॉम द मेकर्स ऑफ, हाँ अब सही है, इतनी सारी हिट के बाद एक फ्लॉप बनानी तो बनती है, आइडियाज खत्म हो जाए तो रीमेक ही बना दो। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। वैसे मूवी तो शिल्पा शेट्टी की है पर सारा अटेंशन राजकुंद्रा ले गया, शिल्पा शेट्टी से किसी को घंटा फर्क पड़ता है अब नहीं। सबको बस राजकुंद्रा की मूवी का लिंक चाहिए। आगे बोलना नहीं पता। हंगामा रिलीज होने से 3 दिन पहले ही राजकुंद्रा पकड़ा गया अश्लील पिक्चर बनाने के जुल्म में। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आज एक बात तो साफ हो गई, योगा से ही होगा। और मिक्का सिंह को तो वैरायटी चाहिए, लगता है इनको इनकी फेवरेट कैटेगरी नहीं मिली उस पे। मजा नहीं आ रहा है। खैर छोड़ो, हम करते हैं अपना मूवी रिव्यू। मूवी की IMDB रेटिंग है 3.3 और ये इतने बड़े बड़े रिव्यूज के लिख रहे हैं लोग, कितना वेला टाइम है इनके पास। रिव्यू लिखने पर 10 मार्क्स मिलेंगे क्या एग्जाम में, जो इतने बड़े बड़े रिव्यू लिखने चल पड़े हैं सब। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अबे कम से कम तेरे जितने वेले तो नहीं है ना कि मूवी के रिव्यू पे वीडियो ही बना डाली। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। चलो देखें कुछ इंटरेस्टिंग रिव्यूज। द मेकर्स ऑफ कलंक कैन ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ कॉज टू बीट देम इन द सुपर फ्लॉप मूवी कैटेगरी, हंगामा 2 हैज टेकन द लीड। गजब बेइज्जती है। शिल्पा शुड ट्राई मूवी इन कुंद्रा प्रोडक्शन, शी इज डिजास्टर व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग इन मूवी। टोटल वेस्ट ऑफ माई 20 मिनट्स, कुडंट टेक एनी लॉन्गर, दैट डूड इन द मेन लीड इज अनबियरेबल बट नो वरीज, ही स्टिल गॉट अ करियर इन राज कुंद्रा प्रोडक्शन। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, ये भैंचो सारे मिलके हमको पागल बना रहे। My dad wasted 399 rupees on the subscription and I wasted 2.5 hours of my life, which to be honest felt like eternity. Club with the painful Vimal Zuban Kesari ads were actually better than the movie. Go, paisa barbaad pehen chod. Worst Shilpa Shetty movie ever felt like watching a porn movie made by her husband Raj Kundra. Director thinks still people are stupid nowadays to watch this piece of shit. Vomiting. Ye to tatti hai. तो शुरुआत होती है हसीन वादियों से, जहाँ एक लड़की ट्रेन से आती है एक बच्ची लेकर, और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर कपूर के घर में कई बदमाश बच्चे होते हैं जिनसे वो परेशान हो चुके होते हैं, और तीसरी तरफ राधे श्याम तिवारी की स्टोरी है जो अपनी हॉट बीवी अंजलि को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। फिर वो लड़की जिसका नाम वानी है बच्चे को लेकर मिस्टर कपूर के घर आती है और क्लेम करती है कि वो मिस्टर कपूर के बेटे आकाश की कॉलेज की गर्लफ्रेंड थी और वो बच्ची उसकी है, जिसको एक्सेप्ट करने से आकाश साफ साफ मना कर देता है। फिर फ्लैशबैक में उनकी कॉलेज लाइफ दिखाते हैं। उसके बाद अंजलि मिस्टर कपूर को समझाने आती है पर वो नहीं मानते और उसको बोलते हैं कि ये बात अपने पति राधेश्याम तिवारी को मत बताना। अंजलि घर जाके तिवारी को झूठ बोलती है और तिवारी को पता लग जाते है कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि उसने घर के बाहर CCTV कैमरा लगा रखा होता है और उसको लगता है कि अंजलि का किसी से लफड़ा चल रहा है। बैक टू कॉलेज लाइफ, वानी अचानक से कॉलेज से गायब हो जाती है, बस इतना ही दिखाते हैं। बैक टू प्रेजेंट, आकाश की शादी की तैयारियां हो रही होती है बजाज की बेटी के साथ और राधेश्याम तिवारी अंजलि और आकाश को स्पाई करता है। ये कॉमेडी सीन डिपिक्ट करने की कोशिश करी है जहां तिवारी को गलतफहमी हो जाती है कि आकाश ने अंजलि को प्रेग्नेंट कर दिया है। फिर वो बच्ची का और आकाश का DNA टेस्ट करते हैं जिससे प्रूफ हो जाता है कि आकाश बच्ची का पिता है और उससे पूरे घर में टेंशन का माहौल हो जाता है। फिर सगाई की डेट आ जाती है और वो सब वानी से छुप कर मंदिर में आकाश की सगाई करने चले जाते हैं, पर वानी भी वहां पहुंच जाती है और जैसे तैसे करके वो लोग उसको वहां से भगा देते हैं और सगाई हो जाती है। फिर
फिर आकाशवाणी के रूम में आ जाता है और उसको इमोशनल करके उससे सच उगलवा लेता है कि बच्ची किसी और की है और वो सब रिकॉर्ड कर लेता है। पर वाणी की बातें रिकॉर्ड नहीं हो पाती क्योंकि वो रिकॉर्डर का दूसरा बटन दबा देती है और रिकॉर्डिंग रोक देती है और आकाश का कचरा हो जाता है। यहाँ एक तरफ आकाश अपने घर के बच्चों को बोलता है कि वाणी को घर से निकाल दो किसी तरह, पर बच्चे गलती से वाणी की बच्ची के ऊपर पटाखे जला देते हैं जिसका सारा इल्जाम वाणी अपने सर पर ले लेती है। इससे बच्चों का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो वाणी की साइड हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अंजलि और आकाश को तिवारी पकड़ लेता है और उसकी गलतफहमी और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर वो आकाश को जान से मारने का ट्राई करता है और खुद ही गलती से पॉइजन वाला ड्रिंक पी लेता है। फिर आकाश और अंजलि राजपाल यादव जिसका नाम पोपट है उसको वाणी का पति बना के भेजते हैं, पर वहाँ बच्चे के नाम के चक्कर में वो पकड़ा जाता है और सारा भांडा फूट जाता है। उसके बाद आकाश के भैया भाभी वाणी को कन्विंस कर लेते हैं कि वो पैसे लेकर निकल जाए और आकाश की शादी हो ही रही होती है कि तिवारी वहाँ शराब पीकर हल्ला कर देता है और सारा सच सबके सामने आ जाता है और शादी टूट जाती है। रात को आकाश फ्रस्ट्रेट होकर वाणी के पास जाता है, तब उसको सारा सच पता लगता है। वाणी उसको बताती है कि बच्ची उसके बड़े भाई की है जो वाणी की दीदी के साथ बच्ची करके भाग गया था और उसको जन्म देते वक्त उसकी दीदी की डेथ हो जाती है। अब वाणी उस बच्ची को वापस करने आई है और इसीलिए वो सब नाटक कर रही थी और वो इसीलिए कॉलेज से गायब हो जाती है क्योंकि उसको लगता है आकाश अपने बड़े भाई जैसा ही होगा। उसके बाद उसके बड़े भाई का भांडा फूट जाता है और सच सबके सामने आ जाता है। फिर से एक बार वाणी भाग जाती है फालतू एक्सक्यूज देके। और फिर जब वो लोग वाणी को ढूंढ ही रहे होते हैं तब उनको पता लगता है कि वाणी की शादी हो रही है। वो उसकी शादी रोकने के लिए जाते हैं पर तब तक बहुत देर हो जाती है और शादी पूरी हो चुकी होती है, मगर वो शादी शूटिंग की शादी निकलती है और इसी के साथ वो लोग खुश हो जाते हैं और आकाश और वाणी फिर से साथ हो जाते हैं। दी एंड। हाँ भाई कैसी लगी, आगे स्वाद? अगर मैं इसको पार्ट वन से कंपेयर करूँ तो एक स्टार भी नहीं दूंगा। अरे कहना क्या चाहते हो? कैरेक्टर नेम सेम है मगर परेश रावल जी का कैरेक्टर ऐसे लग रहा है जैसे जबरदस्ती ऐड कर रखा है क्योंकि वो एक आइकॉनिक कैरेक्टर बना हुआ है। बाकी कॉमेडियंस के रोल जैसे जॉनी लीवर, राजपाल यादव, इन सबको भी कुछ खास इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, बस इनको इसलिए रख रखा है ताकि मूवी में थोड़े जोक्स ऐड हो जाएं और थोड़ी और फनी लगे। जावेद जेफरी सर के बेटे मिजान ने तो बहुत ही ओवर एक्टिंग करी है। अक्षय खन्ना को भी बस ऐसे ही ऐड कर रखा है क्योंकि वो लास्ट मूवी में था, कुछ रोल नहीं है उनका। आई एम सॉरी बाबू। मूवी बस टाइम पास के लिए देख सकते हैं और स्टोरी भी कुछ खास नहीं है तो मूवी से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। और ये सीक्वल भी एक मैसिव फ्लॉप शो था। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसी लगी हंगामा 2। और अगर राज कुंद्रा की मूवी का लिंक मिले तो मुझे भी फॉरवर्ड कर देना। पाजी हमें भी आइडिया बताओ यार कि बिना कुछ किए पैसा कैसे कमाते हो आप इन्हीं चीजों में बिजी रहते हो।